नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रेगनेंसी में अनार खाने के फायदों के बारे में। जी हां दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो एक प्यार भरा लाइक जरूर दें, और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएँ। दोस्तों प्रेगनेंसी में अनार खाना या फिर अनार का जूस पीना बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें शरीर को स्वस्थ रखने वाले सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी में सेहत का खास ख्याल रखना होता है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ऐसे में आप अनार को रेगुलर सेवन आप कर सकती हैं, लेकिन कम मात्रा में। तो दोस्तों जानते हैं कि आखिर हम अनार का रोज सेवन क्यों करें, आखिर अनार में ऐसे कौन कौन से फायदे होते हैं, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों अगर आपके शरीर में खून की कमी हो गई है तो इसका असर आपके शिशु के विकास पर भी पड़ता है। ऐसे में नियमित रूप से अनार का सेवन करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि अनार में फोलेट, आयरन, फोलिक एसिड पाए जाते हैं, जिससे शरीर में खून की कमी को पूरा किया जा सकता है। दोस्तों आमतौर पर महिलाएँ प्रेगनेंसी में शारीरिक कमजोरी और थकान हमेशा महसूस करती रहती हैं। दोस्तों ऐसे में अगर वो रोजाना अनार का जूस का सेवन करें या फिर अनार का सेवन करें तो शारीरिक कमजोरी में कमी आती है, और जितनी भी शारीरिक कमजोरी आपको फेल हो रही होती है वो दूर हो जाती है। दोस्तों प्रेगनेंसी में अनार का सेवन करने से गर्भ में पल रहे शिशु के नर्वस सिस्टम को मजबूती मिलती है। जी हाँ, जिससे क्या होता है कि उसका मानसिक बीमारियों से बचाव हो जाता है, किसी भी प्रकार की मानसिक बीमारियों से छू नहीं पाती। दोस्तों प्रेगनेंसी के समय महिलाओं को आयरन की कमी हो जाती है, ऐसे में लोग आयरन की दवाओं को खाने की सलाह देते हैं, लेकिन उसकी जगह पर अगर आप एक अनार का सेवन रोज कर लें तो आपकी आयरन की कमी दूर हो जाएगी और आयरन की जरा सी भी कमी आपके शरीर में नहीं रहने वाली है। दोस्तों गर्भावस्था में अनार खाने से शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो नॉर्मल बना रहता है, जिससे ना वो ज़्यादा हाई होता है ना ज़्यादा लो होता है। दोस्तों शरीर में ऑक्सीजन का सही स्तर भी बना रहता है। इसके साथ डिलीवरी के समय शिशु के मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी के खतरे को कम करने में भी काफ़ी मदद मिलती है। दोस्तों अनार में मौजूद विटामिन सी शरीर के आयरन को अवशोषित करती है, जिससे शरीर को आयरन का लाभ मिल पाता है। अनार में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, ऐसे में रोजाना अनार का सेवन करने से पेट के संबंधित जितने भी रोग होते हैं, जैसे कि कब्ज, पेट में अपच, ये सारी बीमारियों से आपको छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों अनार में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट तत्व शरीर से अपशिष्ट पदार्थ, यानी कि वो पदार्थ जो शरीर में विषैले पदार्थ कहलाते हैं, उनको निकालने में काफ़ी ज़्यादा सहायक होते हैं। ऐसे में आप अगर रोजाना केवल एक अनार का सेवन करेंगे तो भी आपके लिए लाभकारी होगा। दोस्तों अगर आप प्रेगनेंसी में बार बार आने वाले क्रैम्प्स से परेशान हैं तो अनार का सेवन आप कर सकते हैं, क्योंकि अनार में मौजूद पोटेशियम क्रैम्प्स को कम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। दोस्तों अनार का सेवन करने से माँ के साथ शिशु का तंत्रिका तंत्र विकास सुचारू रूप से होता है, जिससे उसके मानसिक रोग होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। तो दोस्तों ये थे प्रेगनेंसी में अनार खाने के लाजवाब फायदे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि डाइट में अनार का आप किस तरीके से सेवन कर सकते हैं, इसको किस प्रकार से खाया जाए। तो दोस्तों आप सुबह या शाम के नाश्ते में अनार का सेवन कर सकते हैं, टाइम तो यही सही है। इसके अलावा आप किस तरह से इसका सेवन करें जो ज़्यादा यूजफुल होगा, तो आप किसी भी तरह से इसका सेवन करें। आप चाहे तो रोजाना एक गिलास अनार का जूस पी सकते हैं, या फिर आप चाहे तो सलाद में अनार का सेवन कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो ऐसे ही अनार का सेवन भी कर सकते हैं। किसी भी रूप में आप इसका सेवन करेंगे तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद ही होने वाला है। तो दोस्तों यही थी आज की हमारी जानकारी, खास तौर पर प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए, कि अनार उनके लिए किस लिहाज से किस किस क्षेत्र में फ़ायदेमंद होता है। तो दोस्तों यही होती है हमारी आज की जानकारी समाप्त। उम्मीद करता हूँ वीडियो और जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएँ। धन्यवाद दोस्तों।